दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बारिश के कहर और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी चेतावनी के कारण आम आदमी पार्टी की हरियाणा में निकाली जा रही किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पहले यात्रा 12 व 13 सितंबर को निकाली जानी तय की गई थी, मगर अब ये बची 2 दिवसीय यात्रा 18 व 19 सितंबर को फरीदाबाद से पलवल के लिए निकलेगी। आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा 6 दिन सक्सेसफुली हरियाणा के अंदर घूमती हुई आज से फरीदाबाद से शुरुआत करनी थी, परंतु मौसम के कारण सारा फरीदाबाद गुड़गावा वाटर लॉगिंग हुई है, चलने के रास्ते बंद हो गए और आगे भविष्य में भी 3 दिन के लिए भारी बरसात की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। इन सब बातों को देखते हुए इस यात्रा को 12 और 13 की जगह 18 और 19 सितंबर को तय किया गया है। अब 19 तारीख को गांधी सेवा स्मारक स्थल पलवल पे इसकी समाप्ति होगी। वहीं करनाल में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भी सुशील गुप्ता ने बयान दिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा। डॉक्टर साहब को शायद प्रेशर झेलने के सख्ती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किसानों की जायज बात को पहले दिन मान लेना चाहिए था, 4 दिन बरसात के अंदर किसानों को बैठाया और उसके बाद इस अफसर के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार किया। ये सिर्फ उड़ देने का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। फिर भी मैं आज के फैसले का स्वागत करता हूँ कि परिवार को 2 नौकरियाँ दी गई और दोषी अधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दिया। लेकिन सर, सरकार की आज जिस तरीके से बात, सरकार ने बात मान ली है कि 4 दिन पहले अगर मान ली जाती तो ये सब नहीं होता। सरकार खुद ड्रामा कराती है, इस सरकार को आदत पड़ गई है। हरियाणा सरकार अननेसेसरली किसानों को परेशान करने के अंदर लगी हुई है। जो जायज बात है 4 दिन परेशान करने के बाद में मानी, पहले दिन क्यों नहीं मानी, मान लेनी चाहिए थी। क्या जिस तरीके से अब 1 महीने की छुट्टी पर जो है वो एसडीएम को भेज दिया गया है और जो रिटायर्ड जज हैं उनसे जांच की मांग की गई है, लगता है कि अब इंसाफ हो पाएगा किसानों का? इंसाफ होना चाहिए, जजिस पे न्याय प्रणाली पे हमें पूरा भरोसा है और दोषी अधिकारी को सजा। बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से किसानों और मजदूरों के समर्थन में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में यात्रा निकाली जा रही है। आम आदमी पार्टी को इस यात्रा के दौरान आम जन का भी काफी समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा 12 और 13 सितंबर को फरीदाबाद और पलवल में निकाली जानी थी, लेकिन अब ये यात्रा स्थगित कर आगे के लिए बढ़ा दी गई है, जिसकी जानकारी खुद सुशील गुप्ता ने दी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।